नमस्ते बच्चों, आपका एक्शायद पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पाठ केरल इस पाठ की चौथी अभ्यास पत्रिका को पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। दूसरा है बच्चे स्वतंत्र लेखन लिखने और पढ़ने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मसालों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, इन चित्रों को देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए जानेंगे इन मसालों के नाम। तो पहला है, इस मसाले का नाम है करी पत्ता, धनिया, लौंग, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा। तो चलिए बच्चों, इन मसालों के नाम अपनी अभ्यास पत्रिका में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर नृत्यों के नाम लिखिए। तो यह है केरल के नृत्य। तो चलिए इनके नाम जानेंगे। पहला है कलारीपयट्टू, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनी अट्टम और चौथा है तिरुवथरागली। तो ये है केरल के नृत्य। तो चलिए बच्चों, इनके नाम लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, केरल के 14 जिलों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैं इन जिलों के नाम पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। अलपुच्छा, कन्नूर, कसरगोड, कोल्लम, वायनाड, पालक्कड़, मलप्पुरम, इडुक्की, त्रिशूर, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम, पतनमट्टिथा, कोच्चि, ओतप्पालम। तो ये है केरल के 14 जिलों के नाम। तो चलिए बच्चों, इन जिलों के नाम लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथी की ओर। गतिविधि चौथी, दिए गए अवधारण नक्शा को लिखकर अपनी कॉपी में कर्नाटक राज्य के बारे में लिखिए। तो चलिए बच्चों, आज हम कर्नाटक राज्य के बारे में अवधारण नक्शा लिखेंगे। तो यह कार्य आपको लिखना है। तो देखो, यहाँ पर कर्नाटक राज्य की भाषा कौन सी है वो लिखना है आपको। कर्नाटक राज्य में कितने जिले हैं, कर्नाटक राज्य का नृत्य, कर्नाटक राज्य में ऐतिहासिक स्थल कौन सा है, कर्नाटक राज्य का मुख्य आहार और कर्नाटक राज्य की राजधानी। तो इस कर्नाटक राज्य की पूरी जानकारी इस अवधारण नक्शा में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।